अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये समाजवादी पार्टी मैं समझता हूँ बौखला गई। वो कोई मीसाबंदी नहीं है, वो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। उन्होंने सरकारी संपत्ति को आग लगाई है, उनको के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई सरकार कर रही है। अगर वो इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी के जो नेता विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इतने जिम्मेदार नेता होकर के इस प्रकार की बातें करना कि जिससे और जो अराजकता बढ़ाने वाले हैं उनका मनोबल बढ़े, ये भाषा उचित नहीं है। हमारी सरकार है और जिसने भी आगजनी की है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को आग लगाई है, जिन्होंने दंगा फसाद करने का काम किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, कठोरता से ही कार्रवाई होगी। और उनकी सरकार अभी 25 साल बनने वाली नहीं है, इसलिए गुमराह न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी रहेगी। ये तो जांच एजेंसियां जो लगातार रिपोर्टें आ रही हैं, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि पीएफआई ही सिमी है और सिमी ही पीएफआई है और सिमी प्रतिबंधित देश विरोधी संगठन है। और उस संगठन के द्वारा चलने वाली गतिविधियों को अगर पीएफआई के माध्यम चलाया जा रहा है तो यह संगठन भी प्रतिबंधित करने की जरूरत है। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है।